स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद व्लॉग में। और आज हम आ चुके हैं परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के पूर्णा नांदेड़ आउटर के साइड में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 100% जो है तो वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन में। वायरिंग जो है तो लगा भी दी गई है और लगाकर सेट भी कर दी गई है परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पर। लेकिन परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 ही जो है तो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। 4 और 5 नंबर का प्लेटफॉर्म जो है वो गुड ट्रेन के लिए यूज़ होता है, मालगाड़ियों के लिए यूज़ होता है। तो आप लोग देख सकते हैं परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन में 100% जो है तो वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। वायरिंग लगाकर भी जो है तो सेट कर दी गई है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो है तो यहाँ पर एक जल्द से जल्द जो है तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ट्रायल लिया जाएगा। ब्रिज के ऊपर से भी देख सकते हैं आप लोग परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन का व्यू। तो यहाँ पर जो है तो धर्माबाद मनमाड़ मराठवाड़ा एक्सप्रेस भी जो है तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्च होती हुई मॉर्निंग वाली मराठवाड़ा एक्सप्रेस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के साइड में यहाँ पर भी वायरिंग लगा दी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भी वायरिंग लगा दी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 पर भी जो है तो वायरिंग लगा दी गई है। लेकिन आपको मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा ब्रिज के ऊपर से भी और नीचे से भी। तो आप लोग ये ब्रिज के ऊपर से व्यू देख सकते हैं परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन का। तो ये देख सकते हैं आप लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं वायरिंग यहाँ पर लगा दी गई है और लगाकर सेट भी कर दी गई है परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 में भी। तो यहाँ पर आप लोग ब्रिज के ऊपर से व्यू देख सकते हैं ये। और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के परली और औरंगाबाद आउटर के साइड में। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं तकरीबन पोल्स लगाकर वायरिंग भी लगा दी गई है यहाँ पर, और वायरिंग को जो है तो प्रॉपर तरीके से सेट भी किया गया है। हो सकता है आने वाले 15 या 20 दिन या 1 या 2 महीने बाद जो है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ट्रायल लिया जाएगा। और जल्द से जल्द अगर यहाँ पर ट्रायल होता है तो हो सकता है फ्यूचर में यहीं से जो है तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देने की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। तो ये थी आप लोगों के लिए परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल जुनैद व्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोज़ बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।